नमस्ते दोस्तों, किरण डायरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज सैंडविच रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और सारी चीज़ें अपने घर में अवेलेबल हो जाती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है और बहुत ही क्रीमी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सैंडविच बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। ये मैंने 3 स्लाइस ब्रेड लिया है, एकदम फ्रेश ब्रेड है, ये चॉप की हुई बारीक पत्ता गोभी है, ये स्लाइस किए हुए प्याज हैं, स्लाइस की हुई ककड़ी है, खीरा ककड़ी, और स्लाइस किए हुए टमाटर हैं। और सॉस में मैंने ये किसान का सॉस लिया है, जो बहुत ही अच्छा आता है और आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ये मैंने डॉक्टर ऑर्डर का फन फूड वेज मेयोनीज लिया है क्रीम के तौर पर, ये आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इससे जो सैंडविच हैं बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और क्रीमी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाना, इसको कैसे बनाना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये चॉप की हुई पत्ता गोभी लेते हैं और इसके अंदर हमें डालना है मेयोनीज। आपको अपने हिसाब से डालना है, आपको कितना क्रीमी चाहिए उसके हिसाब से। तो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने पत्ता गोभी को मेयोनीज में एकदम मिक्स कर लिया है इस तरीके से। अब हम लेंगे ब्रेड और इस पे डालेंगे सॉस। सॉस को चाकू की सहायता से स्प्रेड कर देना है इस पे, इस तरीके से। आप चाहे तो इसकी साइड्स जो हैं वो कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। सारे ब्रेड पे हम सॉस लगा देंगे। आप इस पे चाहे तो हरी चटनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी चटनी नहीं डालूंगी, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब इस ब्रेड पे हम ये मेयोनीज और पत्ता गोभी जो हमने मिक्स की थी इसको इस पे डाल देंगे और चाकू की सहायता से इसको इस पे फैला देंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से फैलाइए। अब इस पे डालेंगे थोड़ा सा नमक। आप चाहे तो ब्रेड को सेक कर भी यूज ले सकते हैं, लेकिन मैं सेकती नहीं हूँ, ऐसे ही यूज लेती हूँ। अब इस पे डालेंगे हम ये चाट मसाला थोड़ा सा, थोड़ी सी इस पे काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। उसके बाद में टमाटर स्लाइस इस तरीके से डालनी है, प्याज की स्लाइस, बिल्कुल इसी तरीके से डालनी है आपको। अब इस पे हम ये जो ब्रेड है वो इस तरीके से डालेंगे। थोड़ा सा सॉस इसके ऊपर डालेंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे
मेयोनीज और ये पत्ता गोभी की एक लेयर और बनाएंगे इसको। ये वेज सैंडविच बहुत ही शानदार बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है और बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आता है। अब इस पर हम डालेंगे ये खीरा ककड़ी। अब वापस इस पे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च और इस पे थोड़ा सा सॉस डालेंगे और ये ब्रेड जो है इस तरीके से इसको कवर। ये हमारा यम्मी टेस्टी सैंडविच तैयार है बिल्कुल। ये देखिए दिखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है और खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए अब इसको यहाँ से इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है, थोड़ा दबा के कट करना है। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी बना है, बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूले ताकि मेरी हर न्यू नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे न्यू वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए बाय।